सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज आप लोग को मैं ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। एंड दोस्तों, आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, ब्लैक टोन के साथ साथ फ्रेंड्स यहां पे हल्का येलो टोन का भी आप लोग का इफेक्ट दिख रहा होगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हो दोस्तों, ब्लैक टोन भी दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग को, एंड हल्का सेचुरेशन इसमें मैं बढ़ाया हूँ जो कि येलो टोन जैसा भी हल्का दिख रहा है। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। 110% फ्रेंड्स आप लोग गारंटी देता हूँ, जैसे आप लोग को टोन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही टोन आप लोग फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैक। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो है गाइज, जैसे तो ओरिजिनल फोटो फ्रेंड्स ए वाला। तो आप लोग क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल फोटो को आप लोग को शेयर करके लेके चलना दोस्तों स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स लाइट मैनेज करने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को स्नैपशीट का जरूरत पड़ेगा, जो कि अच्छे से इसमें मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, नीचे आप लोग को टूल्स का आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग टूल्स पे आ जाइएगा, एंड टूल्स पे आके आप लोग ट्विन इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अपने फोटो के हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए, ज़्यादा है फ्रेंड्स तो ब्राइटनेस को कम कीजिएगा, एंड कम है तो बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ब्राइटनेस हल्का ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं हल्का से कम करता हूँ, -2, ज़्यादा नहीं रखूँगा फ्रेंड्स। उसके बाद कंट्रास्ट में आप लोग को जैसा भी फोटो रहेगा फ्रेंड्स, आप लोग कंट्रास्ट कम रखिएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, कंट्रास्ट देख सकते हो 27 माइनस, एंड सेचुरेशन आप लोग बढ़ा के रखेगा 35 प्लस में कर दिया हूँ, एंड एवियंस को भी मैं हल्का बढ़ा लेता हूँ 11 प्लस। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को फोटो यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद फिर से आप लोग को टूल्स पे जाना है, एंड टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को इस बार आप लोग को डिटेल्स को सिलेक्ट करना है, एंड डिटेल्स को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को बढ़ा लीजिएगा पूरा, एंड यहाँ पर शार्पनिंग को पूरा बढ़ा लीजिएगा। इतना आप लोग कर लेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग का बैकग्राउंड के साथ साथ देख सकते हो फेस भी हल्का मतलब ख़राब टाइप का हो गया, भद्दा टाइप का। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे डन करना आप लोग को, एंड डन करके फ्रेंड्स आप लोग ऊपर के साइड में देख सकते हो शेयर के बगल में एक इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे व्यू लिस्ट पे आइएगा, एंड उसके बाद इस डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, एंड बीच वाला जो आइकन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों उस पर क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पर आप लोग इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, क्या यहाँ पे 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 0 रख के उसके बाद फोटो को जूम करके अपने फेस पे जब इसे इरेज करोगे फ्रेंड्स, तो जैसा आप लोग का फेस था बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सिर्फ अपने बॉडी पे ही इरेज कीजिएगा, बाकी हेयर स्टाइल एंड शर्ट जीन्स पर रहने दीजिएगा, तो आप लोग का फोटो ही काफ़ी मतलब अच्छा तरीके से आप लोग को दिखेगा। तो इस तरह से आप लोग फ्रेंड इरेज वगैरह कर लीजिएगा यहाँ पर, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से इरेज करके आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे मैं जैसा कि मैं कर लिया हूँ, उसके बाद रिसेट मैं डन कर देता हूँ, एंड डन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो बिफोर ये ऐसा फोटो था गाइज, एंड ये आफ्टर देख सकते हो। उसके बाद क्या करना, आप लोग को जैसे शेयर पे ले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो फोटो आप लोग का सेव हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, लाइट रूम में आप लोग इस लाइट रूम अप्लीकेशन में आप लोग इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा, यहाँ पर एड टू माई लाइट रूम कर देता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे ध्यान से देखेगा फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद उस यहाँ पे आप लोग को लाइट्स पे आना है। लाइट्स फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे भी माइनस करना, आप लोग को यहाँ पे आप लोग कंट्रास्ट को कम रखेगा, 70 माइनस में रख दिया हूँ लगभग, इतना रख लीजिएगा, एंड हाईलाइट्स को हल्का सा इंक्रीज करके 9 प्लस, एंड शेडो को भी हल्का इंक्रीज कर लीजिएगा, इतना मैं कर लेता हूँ 38, वाइट्स को कम रखेगा आप लोग 32, एंड ब्लैक्स को भी आप लोग कम रखेगा 26। इतना रख लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, कलर वाला ऑप्शन पाइएगा, एंड कलर वाला ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग का टेम्परेचर फर्स्ट वाला इसे आप लोग को बढ़ा कर रखना है 7 प्लस, एंड टिंट को आप लोग को कम रखना है 9 माइनस में रख दिया हूँ, एंड वाइब्रेंस को आप लोग बढ़ा लीजिएगा 26 प्लस में कर दिया, एंड सैचुरेशन को आप लोग कम कीजिएगा -10। इतना आप लोग सेटिंग इस पर कर लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को मिक्स वाले कलर पर आना है, एंड यहाँ पे आप लोग ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन पूरा 100 माइनस, एंड इसका ह्यू भी पूरा 100 माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लैक टोन में फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एंड हल्का सा येलो टाइप का भी आप लोगों का टोन दिखेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को लूमिनस को भी हल्का कम रखना है 33 माइनस। उसके बाद येलो वाले कलर पर आना, इसका सेचुरेशन कम एंड इसका ह्यू कम, उसके बाद लुमिनस भी हल्का कम कर लीजिएगा 39। बाकी इसका देख सकते हो दोस्तों आप लोग ह्यू 100 माइनस, सेचुरेशन 100 माइनस,
एंड सेम ग्रीन का भी 100 माइनस और सैचुरेशन भी 100 माइनस। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ऑरेंज वाला कलर पाइएगा एंड अपने फेस को जितना गोरा रखना फ्रेंड्स ना, यहाँ पे आप लोग ऑरेंज का लुमिनस बढ़ा लीजिएगा। जैसे लुमिनस बढ़ाइएगा ना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का लुमिनस बढ़ाने से आप लोग का फेस गोरा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं इतना रखूँगा, 19 में रख दिया हूँ, नहीं इसे मैं 27 रख देता हूँ 30 के आसपास। उसका क्या करना है, आप लोग को रेड वाला कलर पाना है एंड इसका सैचुरेशन आप लोग बढ़ा लीजिएगा 75 जो प्लस कर दिया सैचुरेशन। उसका क्या करना है, ब्लू वाला कलर पाइएगा एंड इसका सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा लीजिएगा एंड उसके जस्ट पीछे एक ये वाला कलर ब्लू जैसा दिखने वाला फ्रेंड्स स्काई ब्लू, उसका सैचुरेशन आप लोग माइनस कर लीजिएगा एंड ये भी माइनस कीजिएगा एंड इसका लुमिनस इतना रकम माइनस कर लीजिएगा 43। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को इस वाले कलर पाइएगा, इसका सैचुरेशन माइनस, लुमिनस भी माइनस, लुमिनस पूरा माइनस, सब चीज़ पूरा माइनस देख सकते हो, ह्यू सैचुरेशन लुमिनस तीनों माइनस पूरा 100 एंड इस पिंक का भी फ्रेंड सेम इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर डन करके यहाँ पर आप लोग इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट्स इफेक्ट्स पर आने के बाद यहाँ पर टेक्स्चर को आप लोग बढ़ा कर रखना है। टेक्स्चर को मैं 52 प्लस में रख दिया हूँ दोस्तों एंड इसका कैलरिटी को मैं हल्का कम कर लेता हूँ 18 पर माइनस में कर दिया एंड डीएच को आप लोग बढ़ा कर रखेगा डीएच 37 प्लस। उसके बाद क्या करना, ऊपर विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, विग्नेट पा के इसका इस तरह से विग्नेट अपना कम कर लीजिएगा इस तरह से, कितना मैं रखा हूँ फ्रेंड्स 51 माइनस। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पे ब्लैक टोन का तो हल्का इफेक्ट आएगा दोस्तों, लेकिन येलो टोन जैसा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर से आप लोग क्या करना है ना, कलर्स वाला ऑप्शन पाइएगा एंड कलर्स वाला ऑप्शन पा के मिक्स दिख रहा है, मिक्स के बगल में जैसे देख सकते हो ग्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा एंड मिड टोन मिलेगा आप लोग को, हाईलाइट्स मिलेगा एंड ये ग्लोबल भी मिलेगा। तो आप लोग का क्या करना है, सेकेंड वाला जो मिड टोन है, इस बीच वाला सर्कल फ्रेंड्स ये वाला देख सकते हो, ये बीच वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को आप लोग ब्लू ब्लू के तरफ हल्का सा खींचिएगा, हल्का सा, तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स क्या देख रहा है आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हो ह्यू 235 एंड सैचुरेशन 15, इतना आप लोग रख लीजिएगा मिड टोन में। और उसको क्या करना, लुमिनस को आप लोग माइनस कीजिएगा, तो लुमिनस को आप 73 प्लस में कर दिया हूँ एंड ब्लेंडिंग को फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से इतना इसे मैं कम कर लेता हूँ, ब्लेंडिंग को 40 प्लस मतलब डिक्रीज के साइड। उसका क्या करना, आप लोग को बैलेंस करना है, तो इस बैलेंस को पूरा 100 माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना, आप लोग को यहाँ पे आ जाना आप लोग को हाईलाइट्स में एंड हाईलाइट्स को इस बीच वाला सर्कल करके इसे आप लोग येल्लो के तरफ लेके जाइएगा, येल्लो की तरफ। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स ह्यू 41 है एंड सैचुरेशन 40 है, उसको इसमें भी आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, लुमिनस को हल्का सा आप लोग को इंक्रीज रखना होगा प्लस 19। सो दोस्त अब देखो फोटो का लुक फ्रेंड्स, ये देख सकते हो बिफोर वाला फोटो दोस्तों, जो कि फ्रेंड्स हल्का मतलब भद्दा टाइप का लग रहा था एंड ये देख तो देखो आफ्टर, जैसा आप लोगों को मैं फोटो दिखाया गया बिल्कुल सेम फोटो एडिटिंग करके मैं सिखा दिया हूँ, सिर्फ लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से फ्रेंड आप लोग इस तरह से आप लोग फोटो एडिटिंग करके आप लोग सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स आप लोग स्केचबुक चलाओ, इतना भी आप लोग करके आप लोग रेमनी मार के डाल सकते हो, जैसे तो फिर बिफोर वाला फोटो एंड आफ्टर कितना बवाल लग रहा है। तो फिर अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स।